हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत सिंपल, इजी, टेस्टी और हेल्दी सोया की रेसिपी, न्यूट्रीला की रेसिपी, जिसको कि मैंने थोड़ी सी ग्रीन वेजिस के साथ बनाया है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। तो न्यूट्रीला बनाने के लिए आज मैंने लिया है न्यूट्रीला, और जो है क्या बोलते हैं, मैंने इसको गर्म पानी में सोक करके रख दिया था आधा घंटा पहले, और अब ये जो इसके ग्रैनुल्स हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मशी हो चुके हैं, ऐसे ही चाहिए थे। और मैंने यहाँ पर लिया है दो टमाटोज, जिनको कि ऐसे ही चॉप किया हुआ है, चॉपर में प्यूरी नहीं किया, बस चॉप किया हुआ है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर आपके पास फ्रेश जिंजर गार्लिक हो तो आप वो भी ले सकते हैं बारीक चॉप करके। एक लार्ज साइज का अनियन लिया हुआ है बारीक बारीक चॉप करके, और कुछ मैंने यहाँ पर वेजेस ली हुई हैं, कैरेट है एक, थोड़े से बीन्स हैं, कैबेज है और फ्रोजन पीज हैं। अगर आपके पास फ्रेश पीज हो, ग्रीन पीज, तो आप वो भी ले सकते हैं, और आपकी पसंद की कोई भी वेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेजेस हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल हो गया अच्छे से गर्म, इसमें हम डालेंगे जीरा, और जीरा हमारा क्रैकल हो जाए उसके बाद हम इसमें ये अनियन डाल देंगे। हल्का सा भूनना है हमें, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है। तो अब हमारे जो प्याज है वो हल्के हल्के ब्राउन हुए हैं, और अब इस टाइम पर इसमें मैं ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये ऐड कर दूंगी। और इसको भी पका लेंगे। और इसी के साथ ये जो दो टमाटर हमने चॉप करके रखे हुए हैं ये भी डाल देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, और अब इस टाइम पर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच के करीब हल्दी, आधा चम्मच के करीब है रेड चिली, क्योंकि मैं ग्रीन चिलीज भी डाल रही हूँ, और एक चम्मच के करीब भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब गर्म मसाला। गर्म मसाला मुझे इसमें बाद में भी डालना है, तो अभी मैंने इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम ही डाला है, और एक चम्मच और जरा सा और नमक। और अब इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तब तक पकाएंगे एक बार जब तक कि ये मसाला ऑयल छोड़ नहीं देता। तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, और ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस टाइम पर हम इसमें जो हमने सब्जियां कट करके रखी हुई हैं ये सारी सब्जियां इसमें डालेंगे, और ग्रीन चिलीज हम इसमें बाद में डालेंगे। क्योंकि इसमें जब थोड़ी सी ग्रीन चिली कच्ची कच्ची मुंह में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो हम थोड़ा सा सब्जियों को गला के फिर उसके बाद इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। तो अब ये जो सारी सब्जियां हैं इनको पकाना है हमें। ऐसे पकाना है सारी सब्जियों को, और इसी के साथ अभी जो हमने
सोया ग्रैन्यूल्स को सोक करके रखा हुआ है गर्म पानी में, अब ये भी ऐड कर देंगे। और ये जो सोया हमने इसमें ऐड किया है और सारी सब्जियां, अब इनको अच्छे से पकाना है। हमें इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि जो सोया ग्रैन्यूल्स है वो ऑलरेडी सोक थे, तो काफी पानी है। और ये जो कैबेज है, कैरेट है, ये भी पानी छोड़ेगी, तो इसलिए हमें इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना। बस इसको अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे ढक के 5 से 6 मिनट तक पकाना है, जब तक कि हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक ना जाए। तो दोस्तों 5 मिनट के करीब हो गए और सब्जी को चेक कर लेते हैं एक बार, ये अच्छे से पकी है कि नहीं। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है, और मैं दबा के देखती हूँ कि जो ये कैरेट वगैरह है, ये देखिए ये कैरेट जो है दब रही है, और मटर भी। तो इसका मतलब मटर तो फ्रोजन थे, वैसे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बस बाकी सब्जियों को पकाना था। और जो है सारी सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब इस टाइम पर मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से जब ग्रीन चिलीज थोड़ी कच्ची कच्ची मुंह में आती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। और इस टाइम पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से करके मिक्स। आप ये जो सब्जी है इसको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एक आइडियल सोया की रेसिपी है लंच बॉक्स में देने के लिए। तो अभी इसको मैं 1 मिनट के लिए बिना ढके इसी तरीके से पकाऊंगी और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। जी दोस्तों, मैंने हमारी न्यूट्रीला की सब्जी को सर्व कर लिया है, और ये देखने में तो जितनी टेस्टी है ही उतनी हेल्दी भी है, टेस्ट भी, हेल्थ भी, सोया के साथ साथ और जितनी हमने वेजेस डाली हैं उनकी भी गुडनेस। और मैंने इसको बस बिल्कुल सिंपल तरीके से सर्व किया है, इसके साथ में मैंने लेमन दिया है स्क्वीज़ करने के लिए, क्योंकि सोया के साथ जब आप लेमन स्क्वीज़ करके खाते हैं तो बहुत टेस्ट आता है। तो अगर आपको मेरी आज की न्यूट्रीला की रेसिपी अच्छी लगे, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।